The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. And our choice is My Bollywood English. दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यानी बोले जाने वाला एक वर्ड है इफ़ जो है अनरियल कंडीशन को शो करता है, यानी ऐसी कंडीशन जो रियल नहीं होती है ना, जो कि सच में नहीं हो रही होती हैं, बल्कि हमारी इमेजिनेशन में होती हैं, हमारी सोच में होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें अगर आप आते तो मैं चलता, अगर वो आया होता तो मैं चला होता, ठीक है। अगर कोई क्रिकेटर है, मान लो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, विदेश में है, अगर उसने कहा, मान लो इंडिया का है वो, वहाँ खेल रहा है, तो क्या बोलेगा? उसको तो अपने देश से प्रेम होगा ना, अगर मैं इंडिया में आया तो मैं ज़रूर खेलूँगा, अगर मैं इंडिया में आता तो मैं ज़रूर खेलता। ऐसे सारे सेंटेंस बहुत सारे हैं, अगर एम्बुलेंस आ जाती तो पेशेंट को बचाया जा सकता था या बचाया गया होता, ठीक है। डॉक्टर आ जाता तो पेशेंट बच गया होता। तो इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? बहुत ईजी फार्मूला है, केवल आपको ध्यान देना है कुछ चीज़ों पर, कुछ इसके टेक्निकल जो पहलू हैं, आस्पेक्ट हैं, उन पर आपको ध्यान देना, बाकी बहुत आसान है। पांच प्रकार से ये होता है, आपको ध्यान देना है कि इफ का यूज हम पांच प्रकार से करते हैं, पांचों बहुत आसान है। प्लीज बी फोकस्ड ऑन योर टॉपिक और मैं आपको बहुत आसानी सिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, एक तो जब हम फ्यूचर में कोई चीज सोचते हैं कि अगर आप आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है, इफ यू कम आई विल हेल्प यू, ठीक है। एक तो ऐसे होगा, यानी आप आएंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, अगर आप आएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, इफ यू कम आई विल गो विद यू, है ना, अगर आप आएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, इफ यू कम आई विल गो विद यू, या इफ यू कम आई विल अकंपनी यू, मैं आपके साथ अकंपनी करूंगा, चलूंगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, फ्यूचर में हम जब एक संभावना प्रकट करते हैं, वो भी वेल प्लानिंग के साथ में, पक्की संभावना, जब पक्की संभावना होती है तो हम लोग विल का यूज करते हैं, ठीक है। और जब अंदाजा में होता है, मतलब वो चीज हमारे अंदाज में होता कि शायद ऐसा होगा, मतलब पक्का नहीं है, ठीक है। जैसे कल मैं लखनऊ जाऊंगा तो आई वुड गो टू लखनऊ टुमारो, है ना, आई वुड गो टू लखनऊ टुमारो, इसका मतलब कल मैं लखनऊ जाऊंगा, लेकिन पक्का नहीं है। अगर पक्का होगा तो मैं बोल दूंगा कि आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, आई विल गो टू लखनऊ टुमारो, है ना। फिलहाल शैल विल में ध्यान देना है, विल है, शैल नहीं है। स्पीकिंग में हम लोग हर जगह पर विल का इस्तेमाल करते हैं, तो आई गो विल की जगह पर हम लोग शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन इसका क्या है, आई बोल देंगे, तो समझने वाला समझे कि आई शैल है या आई विल है, आपका काम हो गया। स्मार्ट तरीके से आपको आई बोल देना है बस, ठीक है। तो आई विल गो टू लखनऊ टुमारो या आई विल गो टू लखनऊ टुमारो, कल मैं लखनऊ जाऊंगा, अगर पक्का है, 100% पक्का है तो आई विल गो टू लखनऊ टुमारो, कल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में, है ना। और दूसरा है आई वुड गो टू लखनऊ टुमारो, यानी कल मैं लखनऊ जाऊंगा, लेकिन ये मेरी सोच है, ऐसा मतलब कि एक संभावना है, एक अनरियल कंडीशन है, रियल नहीं है, ये हमारी सोच है कि मैं लखनऊ में जाऊंगा, शायद मैं लखनऊ में जाऊंगा, है ना। तो उस तरह से हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके समझते हैं, पहला वाला फ्यूचर के लिए जब बिल का प्रयोग करते हैं, ये शर्त वाला वाक्य है जिसमें शर्त वाले वाक्य होते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में, कंडीशनल सेंटेंसेज। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेज बनाने के लिए हम लोग पांच प्रकार से इसमें तरीके अपनाते हैं। पहले में देखिए, इफ ही हैज कार, अगर उसके पास कार है, यानी अगर उसके पास कार है तो ही विल कम सून, जल्दी आएगा। अब इसको आप फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, इसका मतलब यही हुआ ना, इफ ही हैज ए कार, इफ ही हैज अ कार, अगर उसके पास में एक कार है, इफ ही हैज अ कार, अगर उसके पास कार है तो ही विल कम सून, जरूर आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर उसके पास कार होगी तो जरूर आएगा। तो ध्यान देना है, जब पहला सेंटेंस, यानी दोनों सेंटेंस जो है फ्यूचर में होते हैं, जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं तो पहला हम लोग प्रेजेंट बनाते हैं और दूसरा को हम लोग फ्यूचर ही रहने देते हैं। जैसे अगर आप आएंगे तो मैं चलूंगा, तो इफ यू विल कम आई शैल गो, ऐसा होना चाहिए था ना, यानी दोनों फ्यूचर में होना चाहिए था। तो फ्यूचर में दोनों नहीं होगा, भले ही सेंटेंस हिंदी में है कि अगर आप आएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, दोनों में गागा लगा है, लेकिन पहले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग बनाते हैं, ये इसका रूल है, ठीक है। स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए और दूसरा फ्यूचर में ही रहने दीजिए, तो सबसे आसान है। अगर आप पढ़ेंगे तो पास होंगे, तो क्या होगा, इफ यू स्टडी यू विल पास, ऐसा होगा, ठीक है। अगर पिताजी आएंगे तो मैं आपके यहाँ आऊँगा, इफ फादर कम्स, अब यहाँ पर इफ फादर विल कम नहीं होगा, ध्यान दीजिए, इफ फादर कम्स आई विल गो टू यू या आई विल गो टू योर होम, मैं आपके घर आऊँगा, ठीक है, इस तरह से होगा। अगला देखिए, इफ यू कम आई विल टेल यू एवरीथिंग, इफ यू कम इसका मतलब अगर आप आएंगे तो आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। अब देखिए, अगर आप आएंगे
तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब दोनों सेंटेंस देखिए, गे है, मतलब दोनों ही फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। फ्यूचर टेंस में है कि अगर आप आएंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसका मतलब कि एक शर्त है कि अगर आप आएंगे, फ्यूचर में शर्त है कि अगर आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फोन पर, मान लीजिए आप फोन पर बात कर रहे हैं, उसको बोलो कि यार अगर आप आ जाओगे तो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, यानी फ्यूचर में, अभी जब भी एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, अगले दिन, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर आप आ जाएंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो फ्यूचर में इस तरह से अगर समझाना हुआ तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे और दूसरा जो है फ्यूचर में रहेगा। और ध्यान देना है, दो सेंटेंस इसमें होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर में। जैसे इफ यू कम, अगर आप आते हैं तो आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं आप सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आप आते हैं, ऐसा सोच करके आपको सेंटेंस बनाना है, पहला अगर आप आते हैं बनाऊंगा और दूसरा मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, वो वैसे ही फ्यूचर में जैसा रूल है उसका, फ्यूचर का वैसे बना देंगे। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर, ये आपको ध्यान देना है। अगला सेंटेंस देखिए, इफ यू स्टडी, अगर आप अध्ययन करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो यू विल पास, आप पास होंगे, इस तरह बनाना है। और मतलब क्या निकलेगा इसका हिंदी में, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं हिंदी में, अगर आप पढ़ेंगे तो हम पास होंगे, और सेंटेंस बनने में क्या बन रहा है, अगर आप पढ़ते हैं तो पास होंगे, ठीक है। यानी वो शर्त एकदम क्लियर हो जाती है, ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे। तो ये फ्यूचर की जो आपकी जो शर्त है, फ्यूचर में संभावना जो है, अगर आप वेल प्लानिंग के साथ बोलते हैं, पक्का एकदम इरादा करके, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो है इस तरह से बनेगा। उसका दूसरा रूप देखिए क्या है, इफ ही हैड कार, मैंने पहले क्या लिखा, इफ ही हैज कार, अगर उसके पास कार होगी तो ही विल कम सून, जल्दी आएगा। यहां पर क्या है, इफ ही हैड कार, अगर उसके पास कार हुई, अगर उसके पास कार हुई तो ही वुड कम सून, वो जल्दी आएगा। अगर उसके पास कार हुई तो वो जल्दी आएगा, या आप कह सकते हैं अगर उसके पास कार होती है तो जल्दी आएगा। यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है या यी ये या ता ती ते, ये आपके मानक को समझने के लिए है। बाकी इंग्लिश में प्रैक्टिस के द्वारा सीखते हैं, सेंस के द्वारा सीखते हैं, कोई बहुत मानक ता ती ते हाँ हूँ हुई ऐसा करके नहीं लगाते, ठीक है। फिर भी हम एक मानक लेते हैं, जल्दी हमको समझ में आता है कि या ही ये पहला क्या होगा, जैसे इफ ही हैड कार, अगर उसके पास कार हुई, उसके पास कार हुई या उसके पास कार होती है, अगर उसके पास कार होती है या उसके पास कार हुई तो ही वुड कम सून, वो आएगा। अब फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पास पता नहीं कार है कि नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास कार हुई तो वो जल्दी आएगा, मतलब कि हम एक संभावना प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में, वो भी क्लियर नहीं है, एक अंदाजा मार रहे हैं, अंदाजा गेस कर रहे हैं। जब गेस करके हम फ्यूचर में कोई चीज बात करते हैं तो ये वाला चलता है, ठीक है। कौन सा, पहला पास्ट टेंस में हो जाएगा और दूसरा जो है बिल का वुड हो जाएगा, बस इतना ही करना है, ठीक है, बिल का वुड हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि अगर आप आते तो मैं आपके साथ चलता, अगर आप आते तो मैं आपके साथ चलता, इसका मतलब अगर आप आए तो मैं आपके साथ चलूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिए मैं क्या समझा रहा हूं, एक पास्ट में होगा और अगला जो है वुड हो जाएगा, ठीक है, बिल का वुड हो जाएगा। जो भैया आप तक बिल पढ़ रहे थे ना, क्लियर एकदम फ्यूचर में। अब आपको फ्यूचर में ही बात करना है, लेकिन एक अंदाजा मार के बात करना, संभावना प्रकट करके बात करना है, शर्त दे करके कि अगर आप आ गए, यानी अगर आप आ जाते हैं तो मैं चलूंगा। अगर मैं ऐसे बोलूंगा अगर आप आ जाते हो तो मैं चलूंगा, तो इसका मतलब भैया अभी आप आए नहीं है, आप आए तो है नहीं, ठीक है, अगर आप आ जाते हैं तो, कहने मतलब अगर आप आ गए, ठीक, अगर आप आ गए, कहने मतलब है फ्यूचर में पास्ट बन रहा है, जरा ध्यान दीजिए, फ्यूचर में पास्ट बन रहा है। अगर आप आ गए, यानी अगर आप आ जाते हैं तो मैं चलूंगा, ठीक। तो इफ यू केम आई वुड गो विद यू, हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आप अच्छे नंबर पाएंगे। तो इफ यू रोट, कहने मतलब अगर आप लिखते, यानी इस तरह से बढ़िया लिखते, या अगर आपने लिखा, अगर आपने बढ़िया लिखा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसा। इफ यू रोट, है ना, इफ यू रोट नीट एंड क्लीन, इफ यू रोट नीट एंड क्लीन यू वुड गेट गुड मार्क्स, समझ गए ना, इफ यू रोट नीट एंड क्लीन यू वुड गेट गुड मार्क्स, ठीक है। इस तरह से अगर आप अच्छा खेले तो आप मैच जीत जाएंगे, अगर आप अच्छा खेले तो आप मैच जीत जाएंगे, या अगर आप अच्छा खेलते हो तो मैच जीत जाओगे। फ्यूचर की बात है, ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छा खेलते हो तो मैच जीत जाओगे, यानी अगर आपने अच्छा खेला, अगर आपने अच्छा खेला तो आप जीत जाएंगे, यानी अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप मैच जीत जाएंगे। तो क्या होगा, इफ यू प्लेड वेल, ठीक है, यू वुड विन द मैच, वुड के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला देखिए अगला है,
इफ यू हैड कार, अगर आपके अगर उसके पास कार हुई, ही वुड कम सून, वो जल्दी आएगा, या अगर उसके पास कार होती है तो जल्दी आ जाएगा। अगला इफ ही हैड कार, इफ ही हैड कार, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर पास्ट में हम जाएंगे। आई एम सॉरी, यहां पर हम पास्ट में जाएंगे कि ऐसा हुआ होता। देखिए अगला लिखा है, या होता, ये होती, ये होते, तो अगला होता, होती, होते में आ गया। यहां पर या ही ये या ताती ते होगा दोनों सेंटेंस में, और अगला होता है कि अगर या होता या हुआ होता, यानी वो हुआ नहीं है। हमारी सोच फिर वही पास्ट में जा रहे हैं, एक तो हम फ्यूचर में जा रहे हैं गेस मार के कि अगर आप आओगे तो मैं चलूंगा, यानी अगर आप आए तो मैं चलूंगा, ठीक है, और एक अगर आप आए होते तो मैं चला होता। कहने का मतलब पास्ट टेंस में भूतकाल में एक रिग्रेट के रूप में है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक रिग्रेट फुल्ली आप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं आप कि अगर आप आए होते तो मैं चला होता, यार क्या बताऊं तुम आए नहीं, अगर तुम आ गए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर दिया होता, ठीक है, तुम गाड़ी चलाने नहीं जानते हो और जाकर नाके पर ठूंक दिए भैया, अगर आप मेरे पास आए होते तो मैं पक्का तुम्हारे साथ चला होता, तो ये हादसा तुम्हारे साथ ना होता। तो जब भूतकाल में पश्चाताप के बारे में बात करते हैं, पश्चाताप के लहजे में रिग्रेट करते हुए, तो वहां पर आए होते तो ऐसा हुआ होता वाला मामला होगा। एक तो फ्यूचर में हुआ, देखिए ये अगर तुम आए तो मैं चलूंगा, यानी अगर तुम आते तो मैं चलता, इफ यू केम आई वुड गो, ये हो गया। और एक होगा कि अगर तुम आए होते तो मैं चला होता, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हैड के साथ में हम लगाएंगे, पहला सेंटेंस हैड में बनेगा, इफ यू हैड कम, अगर आप आए होते तो आई वुड हैव गॉन विद यू, और अगले में वुड हैव लग जाएगा, ठीक है, वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो ध्यान दीजिए, इफ यू हैड कम, अगर आप आए होते तो आई वुड हैव गॉन विद यू, मैं तुम्हारे साथ चला होता। तो इस तरह सेंटेंस होता है, अगर आप अच्छा खेले होते तो आप मैच को जीत जाते, अच्छा खेले होते, पास्ट टेंस की बात है, ठीक है, पश्चाताप वाली बात। इफ यू हैड प्लेड वेल, अगर आप अच्छा खेले होते यू वुड हैव वन द मैच। अब जब हैव लगेगा किसी मॉडल वर्ब के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे आएगी, ध्यान दीजिए यू वुड हैव वन हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एन, यू वुड हैव वन द मैच, इस तरह से। इसी में आगे देख लीजिए और सेंटेंस है, इफ आई केम इन इंडिया, इफ आई केम इन इंडिया, अगर मैं भारत में आया। अब एक बार पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, किसमें, फ्यूचर में जाके, एक बार फ्यूचर की बात करते हैं, एक में पास्ट की बात करते हैं। अब फ्यूचर में जरा अंदाजा लगा लेते हैं, एक और सेंटेंस से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी आपकी। इफ आई केम इन इंडिया, अगर मैं भारत में आया, अगर मैं भारत में आया तो आई वुड प्ले, मैं खेलता, यानी भारत में आता तो मैं खेलता, या मैं भारत में आता तो मैं जरूर खेलता, तो क्या होगा, इफ आई केम इन इंडिया आई वुड डेफिनेटली प्ले, आई वुड डेफिनेटली प्ले, मैं पक्का खेलता, है ना। तो ये हमारी सोच फ्यूचर के लिए है कि यार अभी तो मैं अब्रॉड में हूँ, भारत में, इंडिया या अपना विदेश में हूँ, अब्रॉड में हूँ, अगर मैं भारत में आता तो मैं जरूर खेलता। मतलब वो खिलाड़ी क्या कर रहा है ना, वो फ्यूचर की संभावना बता रहा आपको कि अगर मैं इंडिया में आया तो मैं जरूर खेलूंगा, ठीक है, या अगर मैं इंडिया में आता तो मैं जरूर खेलता, फ्यूचर की बात है। तो क्या होगा, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे इफ आई केम इन इंडिया, अगर भारत में मैं आता तो आई वुड प्ले, मैं खेलता। अब इसी को पास्ट में जरा कर लेते हैं, पास्ट में, कि अगर मैं भारत में आया होता तो मैं जरूर खेला होता, ठीक है, इफ आई केम इन इंडिया, इफ आई केम इन इंडिया, अब इसका होगा हैड लगा देंगे, इसमें कम हो जाएगा, इफ आई हैड कम इन इंडिया, इफ आई हैड, ठीक है, इफ आई हैड कम इन इंडिया, इफ आई हैड कम इन इंडिया, अगर मैं भारत में आया होता तो आई वुड हैव प्लेड, आई वुड हैव प्लेड, मैं खेला होता। आप समझ गए हमारी बात को, किस तरह से होगा, फ्यूचर में एक जाएगा और एक पास्ट में जाएगा। बहुत ही मैं आराम से समझा रहा हूं आपको ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो ये हुआ तीसरा आपका, दूसरा और तीसरा, दूसरे में क्या था ना, कोई चीज पास में होती है तो उसके लिए होगा, जब मैंने आपको हैड वाला नहीं समझाया था, देखिए इफ ही हैड कार, अगर उसके पास कार हुई, यानी उसके पास अगर कार हुई या होती तो ही वुड कम, हो आता या आएगा। तो इसमें कोई चीज पास में होता है वो हैज हैव हैड वाला फार्मूला इसमें है, ठीक है, कोई चीज पास में होगा तो हैव लगाइएगा आप, ठीक। और यहां पर देखिए, यहां पर फ्यूचर में हम लेकर चलेंगे और पास्ट में लेकर चलेंगे, वहां पर तो मामला जो है वाला था। आगे देखते हैं, इफ द डॉक्टर केम, इफ द डॉक्टर केम, अगर डॉक्टर आया, हम सोच में ऐसे ना कि अगर डॉक्टर आ गया तो उसकी जान बच जाएगी, ऐसा बहुत बार सोचते नहीं है, अगर डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो उसकी जान बच जाएगी, मतलब अभी तो ना आए नहीं है,
तो यहाँ पर अनरियल कंडीशन है, रियल नहीं कुछ भी, कुछ रियलिटी नहीं है। हम सोच रहे हैं अगर डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो जान इसकी बच जाएगी, ठीक है, तो अभी आए नहीं लेकिन अगर आ जाएंगे तो। और एक होता है अगर आ जाते तो, यानी पास्ट में, तो अभी तुम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि इफ द डॉक्टर केम, यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिटिव होगा, ठीक है, इफ द डॉक्टर केम, अगर डॉक्टर आए तो द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। अब देखिए यहाँ पर वुड हैव बीन हमने कर दिया, किस लिए किया वहां पर, अभी तो वुड हैव बता रहा था, अभी वुड हैव बीन क्यों किया, वुड हैव बीन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी दशा बताई जा रही है, ठीक है, पैसिव वॉइस में है, ठीक, उसको बचा लिया जाता, मतलब किसी के द्वारा बचा लिया जाता, किसके द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा बचा लिया जाता ना, ऐसा हो गया होता किसी के द्वारा, ठीक, तो उसके लिए हम लोग हैव बीन हैज बीन लगाते हैं पास्ट में, आपको इसका परफेक्ट टेंस में पता ही है ना। तो इफ द डॉक्टर केम, अगर डॉक्टर आया या डॉक्टर आता, द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, पेशेंट को बचा लिया जाता। अगला देखिए, इफ द डॉक्टर हैड कम, यहां पर था, अगर डॉक्टर आया या डॉक्टर आता तो बचा लिया गया होता, और यहां पर पास्ट टेंस में गए हम लोग, इफ द डॉक्टर हैड कम, अगर डॉक्टर आ गए होते, यानी अगर डॉक्टर आ गए होते, रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आए नहीं, कांड हो गया, अगर डॉक्टर साहब आ गए होते, इफ द डॉक्टर हैड कम, द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, पेशेंट को बचा लिया गया होता, पेशेंट को बचा लिया गया होता। तो ध्यान दीजिए इसमें भी होगा, इफ द डॉक्टर केम, अगर डॉक्टर आए या डॉक्टर आ गए तो पेशेंट को बचा लिया जाएगा, और दूसरा है अगर डॉक्टर साहब आ गए होते तो पेशेंट को बचा लिया गया होता, ठीक है। अब अगला देखें, यहाँ पर एक ऐसी चीज बता रहे हैं पांच नंबर में, फाइव नंबर वाले मर आ गया, पांच नंबर वाले में हम एक अपनी स्थिति बताते हैं कि कहीं पर अगर हम लोग स्टिल रहते, मैं कहीं पर हम स्थिर रहते तो वहां पर होते, वहां पर होते मतलब कार्य नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहां एक्शन की बात नहीं है, केवल अपनी प्रेजेंटेशन वहां पर हम देंगे कि अगर मैं उस जगह पर होता तो ये काम ना होता, ठीक है। तो यहां पर एक दशा बता रहे हैं, जैसे आप बीमार होते, इफ आई बरिल, अगर मैं बीमार होता, होता नहीं हम लोग एक शर्त वाले में भी करते हैं, इफ आई बरे बर्ड, काश में चिड़िया होता, इफ आई बरे प्राइम मिनिस्टर, काश में प्रधानमंत्री होता, तो इसमें आपकी सोच है, इसमें सोच आपकी है ना, इसमें भी सोच है, लेकिन इसमें एक दशा बता रहा, काश में ये चीज होता, काश में इस है इस रूप में होता ऐसा, तो हमारी एक दशा बता रही, स्टेट बता रही है हमारी। तो देखिए, इफ आई बर देयर, इफ आई बर देयर, अगर मैं वहां होता, इफ आई बर देयर, अगर मैं वहां होता, किसी जगह पर होता, ठीक है, किसी टाइम या प्लेस पर इसको हम सेट करेंगे ले जा करके, इफ आई बर देयर, अगर मैं वहां होता तो आई वुड किल द स्नेक, आई वुड किल द स्नेक, वही रूल पहले वाला, एक पास्ट में रहेगा और दूसरा वुड में रहेगा, अगर मैं वहां पर होता तो मैं सांप को मार डालता, यानी अगर मैं वहां पर हुआ, ठीक है, अगर मैं वहां पर हुआ तो सांप को मार दूंगा, कहने का मतलब ये है ना। जैसे मान लो सोच रहे हैं यार कि वहां रोज सांप निकलता है, अब बोलेंगे भैया अगर रोज सांप निकलता है तो काम करूं, कल चलो चलकर देखते हैं, और अगर मैं वहां पर हुआ, अगर मैं वहां पहुंचा तो सांप को मार डालूंगा, है ना। तो ये फ्यूचर में बोल रहे हैं, फ्यूचर में बोलेंगे क्या होगा, इफ आई बर देयर, अगर मैं वहां पर हुआ तो आई वुड किल द स्नेक, मैं सांप को मार डालूंगा, कहने का मतलब अगर मैं वहां पर होता तो मैं सांप को मार डालता, ठीक, ये होगा। और अगला देखिए, इफ आई बर रिच, अगर मैं अमीर होता, यानी अगर मैं अमीर हो गया मान लो फ्यूचर में, इफ आई बर रिच, अगर मैं अमीर हुआ, ठीक है, या मैं अमीर होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता, इसका मतलब फ्यूचर में, ये रिग्रेट वाला नहीं है पास्ट वाले में, आगे भविष्य के लिए आप सोच रहे हैं, इफ आई बर रिच, अगर मैं अमीर होता है ना, तो आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता, यानी आगे चलकर भविष्य में मैं गरीबों की मदद करता, ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा। अब आपको ये ध्यान देना है, एक बार फिर से हमका रिवाइज कर लेना, देखिए, इफ ही हैज अ कार, अब यहाँ पर किसी चीज की होने की बात है कि अगर उसके पास कुछ चीज हुई तो इफ ही हैज अ कार, अगर उसके पास एक कार हुई या उसके पास अगर कार है, तो यहाँ तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इफ ही हैज अ कार, अगर उसके पास कार है तो ही विल कम सून, वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है, अगर उसके पास कार है तो जल्दी आ जाएगा, मतलब अगर उसके पास कार होगी तो जल्दी आ जाएगा। तो दोनों को हम फ्यूचर में समझेंगे, पहला प्रेजेंट बनाएंगे, दूसरा जो है फ्यूचर में बनाएंगे। तो इफ ही हैज कार ही विल कम सून, अगर उसके पास कार होगी तो जल्दी आ जाएगा। इफ यू कम आई विल टेल यू एवरीथिंग, अगर आप आएंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इफ यू स्टडी, अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। तो फ्यूचर की संभावना बता रहा है, पक्की संभावना के लिए। और अब यहां पर हम अंदाजा में बोलेंगे, सोच में बोलेंगे, मतलब है ना, जो चीज होनी नहीं है, अनरियल कंडीशन है, उसमें लगाएंगे। इफ ही हैड कार, इफ ही हैड कार, अगर उसके पास कार हुई तो ही वुड कम सून, वो जल्दी आएगा।
यानी अगर उसके पास कार होती है तो जल्दी आ जाएगा। अगला, इफ ही हैड कार, अगर उसके पास कार हुई या उसके पास कार होती है तो ही वुड हैव कार, ही वुड हैव कम सून, वो जल्दी आ गया होता। अगर उसके पास कार होती तो जल्दी आ गया होता, यानी पास्ट टेंस में जाएंगे। इफ आई कम इन इंडिया, अब फ्यूचर में जाएंगे, एक बार फ्यूचर में, एक बार पास्ट में, एक बार फ्यूचर में, एक बार पास्ट में, इस प्रकार आपको समझना है इसको, ठीक है। एक बार फ्यूचर में लगाएंगे, एक बार पास्ट में लगाएंगे। पास्ट में लगाएंगे तो पश्चाताप वाले में रिग्रेट करते हुए, कैसा हुआ होता तो क्या हो जाता। अब देखिए फ्यूचर में, इफ आई कम इन इंडिया, अगर मैं भारत में आया, अगर मैं भारत में आया, यानी अगर मैं भारत में आ जाता तो आई वुड प्ले, मैं खेलता। अब अगला पास्ट में, इफ आई हैड कम इन इंडिया, अगर मैं भारत में होता, इफ आई हैड कम इन इंडिया, अगर भारत में आता, अगर मैं भारत में आता तो आई वुड हैव प्लेड, मैं खेला होता। पास्ट टेंस की बात कर रहा, ठीक है, रिग्रेट के रूप में। आगे, इफ द डॉक्टर केम, अगर डॉक्टर आए, द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, पेशेंट बच जाएगा, यानी बचा लिया जाएगा, वुड हैव बीन का मतलब बचा लिया जाएगा। इफ द डॉक्टर केम, अगर डॉक्टर आए, द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, पेशेंट बचा लिया जाएगा, मतलब अगर डॉक्टर आते तो पेशेंट बच जाता, है ना, फ्यूचर के बारे में। और पास्ट में देखिए, इफ द डॉक्टर हैड कम, अगर डॉक्टर आ गए होते, इफ द डॉक्टर हैड कम, अगर डॉक्टर आ गए होते, द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, पेशेंट को बचा लिया गया होता, ठीक है। और अगला हम दशा के बारे में बता रहे हैं, इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां पर होता तो आई वुड किल द स्नेक, मैं सांप को मार डालता, ठीक है। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता, ये आपको ध्यान देना है। तो एक चीज और पॉइंट है आपका, कि अगर हमारा सेंटेंस शुरुआत हो रही है इफ से, इफ से, अनलेस, अनटिल से, ठीक है, व्हेन एवर, व्हाट एवर, विच एवर और एज सून एज, इफ का मतलब यदि होगा, अनलेस और अनटिल का मतलब जब तक की नहीं होगा, ठीक है, व्हेन एवर होगा, व्हेन एवर का मतलब जब कभी, और व्हाट एवर, विच एवर का मतलब जो भी, ठीक है, या जो कुछ भी। और आगे एज सून एज, मैंने ज्यो ही, अगर इससे सेंटेंस शुरू करते हैं तो दो सेंटेंस के बीच में कॉमा लगेगा, ध्यान दो, ये जो भी सेंटेंस इफ से शुरू होता है देखिए कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, दोनों सेंटेंस बीच में कॉमा, पहले सेंटेंस बाद में कॉमा, तब उसके बाद दूसरा सेंटेंस चालू होगा। जैसे एज सून एज ही केम, जो ही वो आया, आई वेंट विद हिम, मैं उसके साथ चला गया, ठीक है। तो एज सून एज से भी चालू होगा, चाहे इफ से, चाहे अनलेस से, चाहे अनटिल से, चाहे व्हेन एवर, चाहे व्हाट एवर, चाहे विच एवर, इन सबसे अगर शुरुआत होती हमारे सेंटेंस की तो कॉमा लग जाता, ध्यान दीजिए। और ज्यादातर सेंटेंस पहला वाला प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ठीक तरह से मैंने समझाने की कोशिश किया है, बहुत कंफ्यूज्ड आपको नहीं किया है मैंने, ये समझाया है कि पहला, देखिए पॉइंट आपको नोट करना है, पहला हमारा प्रेजेंट में रहेगा, मतलब जब, ठीक है, तो प्रेजेंट में रह करके हम जब फ्यूचर के बारे में एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ सोचेंगे कि आप आओगे तो मैं चलूंगा, यानी कन्फर्म है, एकदम पक्की बात है, फ्यूचर में निश्चित है, जब निश्चितता के साथ आप बोलते हैं, सियोरिटी के साथ बोलते हैं फ्यूचर में, तो उसमें बिल बिल वाली संभावना आएगी, क्योंकि आप आओगे तो मैं चलूंगा, तो ये वाला हम पहला प्रेजेंट बनाएंगे, दूसरा नॉर्मल फ्यूचर बनाएंगे बिल के साथ में। और दूसरा होगा आपका, जब फ्यूचर की बात आप करते हैं, अनरियल होता है, अंदाजा में, गेस में बात करते हैं, ठीक है, पक्का नहीं होता, तो उसमें क्या करते हैं, पहला वाला पास्ट में, दूसरा वाला वुड लग सकता, वुड, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर दूसरा वाला क्या होता है, जब आप पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है, पहला वाला हैड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और दूसरा वाले में वुड हैव लग जाएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इसी प्रकार से हम इसको पूरा बनाते हैं, ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, उसको रिवाइंड करके आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में पक्का आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है, जिन्हें आता वो भी अच्छा आएगा, और जिन्हें कम समझ में आता है इसीलिए मैंने बहुत रुक करके समझाने की कोशिश किया है, समझ करके एकदम आराम से, ताकि लोगों को समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।